हाय, वेलकम टू बी क्रिएटिव विद अपूर्वा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे आप देसी घी की दीप बत्ती कैसे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, और इस पे मैंने ऐड किया है सिंदूर। थोड़ा सा वाटर हम ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आपने देखा होगा मार्केट में जो बत्तियाँ मिलती हैं उनके ऊपर ऑरेंज कलर का पेस्ट लगा होता है, वो हम इससे बनाएंगे। यहाँ मैंने लिया है कॉटन। कॉटन को मैंने एक स्मॉल पीस लिया है और इस तरह से फैला लिया है। अब मैं सेकेंड लूँगी कॉटन की बॉल, और कॉटन की बॉल को मैंने इस तरह से सेंटर पे प्लेस किया है। इस तरह से सेंटर पे प्लेस करके हमें कॉटन को धीरे धीरे बनाते जाना है। ये एक बत्ती के शेप में आ चुका है। आपको जैसी बत्ती चाहिए आप वैसी बना सकते हो। आप बड़ी बत्ती भी बना सकते हो इस तरह से। और ये मैंने इसके अपर पार्ट में ऑरेंज कलर, जो कि सूखने पे काफ़ी अच्छा लगता है, उस वो लगा दिया है। आप इसे पूरी तरह डिप मत करिए, अदरवाइज़ ये सूखने में भी टाइम लेगा और उतने अच्छे से जलेगा भी नहीं। मार्केट में भी इस तरह की बत्तियाँ मिलती हैं, पर आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने इन्हें बना लिया है जितनी मुझे ज़रूरत थी। और अब मैंने लिया है आइस ट्रे, उस पे मैं इस तरह से बत्तियों को अरेंज करते जा रही हूँ। बत्तियों को मैं आइस ट्रे पे इस तरह से प्लेस करते जा रही हूँ, और इन्हें मैंने थोड़े टाइम के लिए सूखने के लिए रख दिया था। और अब ये कम्प्लीटली सूख चुके हैं, तो मैं इन्हें इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। बत्तियों को एक घंटे आप सूखने दीजिए, वो कम्प्लीटली सूख जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें प्लेस करना है। अब मैंने लिया है मोमबत्ती और घी। मोमबत्ती को इस तरह से तोड़ के मैंने गरम कर लिया है, तो ये कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे देसी घी। क्वांटिटी हम सेम रख सकते हैं, जितना वैक्स हमने लिया है उतना ही हम घी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं चम्मच की हेल्प से इस तरह से इन्हें फिल करते जा रही हूँ। इस तरह से हमें बत्तियों को फिल करना है। ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने और वैक्स लिया और घी मिक्स किया है, और अगेन मैं इसे फिल करते जा रही हूँ। ये बत्तियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जलती हैं और हम इन्हें अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इन्हें हम कुछ देर तक अगर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये कम्प्लीटली सेट हो जाएंगे, पर मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं इसे फ्रीजर में रख दूँगी। इस तरह से इन्हें मैंने फिल कर लिया है और अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया है। अब देखिए 5 मिनट बाद ये बत्तियाँ किस तरह से निकल के तैयार हुई हैं, एकदम परफेक्ट बनी है। और अब मैं इन्हें जला के बताऊँगी आपको। बहुत ही परफेक्ट बत्तियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये बहुत अच्छी दिखती हैं और इन्हें स्टोर करना भी बहुत आसान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।